मॉर्निंग में स्कूल है बच्चों, आज हम एक नई चीज के बारे में बात करेंगे। आप एक हाफ के जी का वेट तराजू के एक पर्दे पर रख दो और दूसरे पर्दे पे आप कार्टन रखना शुरू करो। देखो दूसरा पर्दा कार्टन से भर जाता है, मतलब इतना बड़ा आपका बाट है और इतना ज्यादा जो है आपका कार्टन है, वो इतना अधिक कार्टन वो हाफ के जी हुआ। आखिर ऐसा क्यों? एक तो छोटा सा है, उसका वेट उसका मास हाफ के जी है और एक इतना है उसका मास भी हाफ के जी है, तो कौन ऐसा फैक्टर है जो मास को वॉल्यूम से जोड़ता है? तो वह फैक्टर कहलाता है डेंसिटी। डेंसिटी जो है इसकी ज्यादा होगी उसका वॉल्यूम कम होगा तो मास ज्यादा होगा। अगर इसको हम लोग डिफाइन करें डेंसिटी इज डिफाइन मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ? मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। इसको जरा फॉर्मुलाइज करें, हम लोग डेंसिटी को हम यहां डी से डिनोट कर रहे हैं, मास को एम से डिनोट कर रहे हैं और वॉल्यूम को बी से। अगर मास को किलोग्राम में रखते हैं तो वॉल्यूम को हम को मीटर क्यूब में रखना पड़ेगा। ये जैसा ही नहीं आप देंगे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर इसको सीरियस में लेंगे तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो जैसे हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6, बस इतना कह देते हैं डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6। मर्करी की डेंसिटी 13.6 है, उसमें हम लोग नहीं कहते कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब है या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो वो 13.6 क्या है, 13.6 क्या है? स्टूडेंट दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। जैसे एक 5 साल का बच्चा है और आप 16 साल के हो, आपकी हाइट 3.5 फीट है, उसकी हाइट 1.5 फीट है, तो आप कहते हो मैं उसके अपेक्षा दोगुना हूं, मेरी हाइट दोगुनी है, आई एम ट्वाइस लेंथ एज दैट चाइल्ड। तो उसकी अपेक्षा रिलेटिव टू वर्ड लगता है, उसी रिलेटिव को यहां अगर हम लोग जोड़ दें तो बन जाता है नया वर्ड रिलेटिव डेंसिटी।
density of any matter with respect to the density of water is called relative density. देखो density of any matter with respect to density of water is called relative density. In relative density की कोई यूनिट नहीं होगी, जैसे आपने कहा कि हमारी लंबाई उससे दोगुनी है, यहाँ दो की कोई यूनिट नहीं, जबकि आपके लेंथ यूनिट क्या आपने कहा 3.5 फीट है, वहां आपने फीट यूज किया। तो अब ये जो रिलेटिव डेंसिटी है इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि किलोग्राम पर मीटर क्यों किलोग्राम पर मीटर कुछ से कट गया है, कहीं से हो गया। देखो जैसे मरकरी के नियमों में कहा तो डेंसिटी ऑफ मरकरी होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ वाटर समथिंग होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या मतलब है, अगर हम निकाल रहे कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्करी ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ मर्करी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर 13.6 अपॉन 1 ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अपन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 13.6। हम समझते हैं आप समझ गए होंगे व्हाट इज डेंसिटी एंड व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी। अब देखो एक चीज आता है क्योंकि हम लोग यहां जो पढ़ रहे हैं वो लिक्विड प्रेशर पढ़ रहे हैं, क्या इसका क्या काम है, यहाँ हमने आपको डेंसिटी क्यों बताया, रिलेटिव डेंसिटी क्यों बताया। कोई बॉडी है इफ एनी बॉडी इज फ्लोटिंग इन द लिक्विड उस केस में क्या होगा, लॉस ऑफ वेट इन बॉडी व्हाइल इट इज इन ऑर्डिनरी लिक्विड इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। इन कंडीशन ऑफ रोटेशन weight of body is less than equal to क्या equal to कर लेते हैं equal volume of liquid displaced by body।
weight of body. Let volume of is V and human volume is V dash. There is V of fortifying body. For go and density of liquid equal C. This is sigma. Go आप लाइन में हो नहीं हो सकता है ना जाओ जाओ If V less volume is smaller than liquid, when it is flow, जब इस तैर रही है तो उसका V less part है, डूबा हुआ है लेकिन तो weight of body W equal weight of liquid, यह है आपका तो वेट ऑफ बॉडी जो हो जाएगा पूरी बॉडी का वॉल्यूम देखो हम लोगों ने जवाब पढ़ा मास पर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी तो वेट इक्वल मास इनटू जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये हो जाएगा वी रो इसकी डेंसिटी इनटू जी और वी डैश पार्ट इसका डूबा हुआ है तो जितना पार्ट डूबेगा उतना ही वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगा लिक्विड हो जाएगा V डैश और सिग्मा जी कैंसिल हो जाता है अब यहां देखो V डैश बाय V ये V डैश बाय V इक्वल रो बाय सिग्मा इमारत वायु अपान टोटल वायु इक्वल डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपान डेंसिटी ऑफ उस स्थिति में जो रो है वो सिग्मा के बराबर होना चाहिए मतलब जब लिक्विड का लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी के बराबर हो जाएगी तो लिक्विड ये सॉलिड जो होगा लिक्विड में पूरा डूबा हुआ तैरेगा तो दिस इज रिलेशन ऑफ डेंसिटी विथ फ्लोटेशन दैट्स व्हाई वी स्टडी स्टैटिक डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी इन दिस चैप्टर हम समझते हैं कि यह चैप्टर आपका समाप्त हुआ इसमें जो रीजन है कारण है वो आप पढ़ लेंगे नहीं समझ में आएगा तो उनसे पूछते रहेंगे तो फॉर टुडे थैंक यू हैव अ नाइस डे